इस हरकत से हो सकती है टेस्ट क्रिकेट की मौत। सॉरी, ये कोई क्राइम का पैकेज नहीं है बॉस, लेकिन ये हेडलाइन आपको कतई लगेगा कि कोई क्राइम स्टोरी है, क्योंकि एक क्राइम होने को है, वो है टेस्ट क्रिकेट की मौत। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन स्टीव वॉ, उनका मानना है कि साउथ अफ्रीका की इस हरकत से टेस्ट क्रिकेट मर सकता है। तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अगले महीने होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन ये टीम जो है उनकी मेन टीम नहीं है, सेकंड ग्रेड टीम है, बोले तो सेकंड डिवीजन टीम है, और इसमें तकरीबन 7 खिलाड़ी अनकैप्ड है, यानी अभी तक खेले ही नहीं है, तो एकदम एक साथ सबका डेब्यू होगा। लेकिन स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन, उनका मानना है कि बॉस इस हरकत की वजह से टेस्ट क्रिकेट खतरे में पड़ सकता है। यहां तक कि उन्होंने आईसीसी, बीसीसीआई और बाकी बड़े क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट भी किया है कि प्लीज इंटरवीन करें, क्रिकेट साउथ अफ्रीका को मनाएं, उनके क्रिकेट बोर्ड को मनाएं कि वो ऐसा ना करें, अपनी मेन टीम को उतारें, क्योंकि इससे लोगों में टेस्ट क्रिकेट के प्रति उत्साह, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इन्हीं हरकतों की वजह से टेस्ट फॉर्मेट मर जाएगा, मौत हो जाएगी। और ये मेरे शब्द नहीं है, लिटरली उन्होंने ये कहा है। इनका ये इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए, Is this a defining moment in the death of Test cricket? Surely the ICC, along the cricket boards of India, England and Australia, must step in to protect the purest form of the game. A premium equal match fee for all Test players might be a good starting point. History and tradition must count for something. If we stand by and allow profits to be the defining criteria, the legacy of Bradman, Grace and Sobers will be irrelevant. भाई, बड़े बड़े नाम लेकर स्टीव वॉ ने तो इमोशन जगा दिए यार क्रिकेट फैंस के। तो आपको क्या लगता है यार कि ये जो सेकंड डिवीजन टीम उतारी है, इससे क्या सच में टेस्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट जैसा कि माना जाता है, वो खत्म हो जाएगा? एंड आपका एक सवाल तो होगा ना कि भाई ऐसा क्यों कर रही है क्रिकेट साउथ अफ्रीका। तो आपको बता दें भाई, अगले महीने ही साउथ अफ्रीका की T20 लीग होने वाली है, और साउथ अफ्रीकन टीम के मेन खिलाड़ी जो हैं, जो डिवीजन ए या फर्स्ट क्लास के जो खिलाड़ी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हैं फ्रेंचाइजीज से, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है फॉर द सिलेक्शन, और उसके बाद हो जाएगा IPL भी स्टार्ट। तो इसीलिए भाई शायद नेशनल ड्यूटी से ज्यादा यहां पर खिलाड़ी या बोर्ड प्रेफरेंस दे रहा है डोमेस्टिक ड्यूटी को। मनी मैटर्स, यू नो, जस्ट अ गेस। सो बॉस, क्या लगता है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट को खा जाएगा? क्या सच में डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ओवर इंटरनेशनल एंड नेशनल ड्यूटी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन खाली मत जाने देना। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।